इसमें वैसे अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। पूरा अमृत योजना जो है 106 करोड़ का है, जिसमें इनटेक वेल से लेके ट्रीटमेंट प्लांट से लेके नेटवर्किंग, राइजिंग लाइन सभी चीज़ें थी, और पानी की टंकियां जो 6 बनी वो है, और रिस्टोरेशन जो है जहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का था वो रेस्टोरेशन भी उसी के साथ में ऐड था। और जैसे हॉस्पिटल रोड में देखा जाए, वहाँ पे कुछ जगह पे लीकिंग था, और चूंकि त्यौहार का समय था इसलिए उसे कैसे भी करके जल्दी से उसको रिस्टोरेशन किया जा रहा था, लेकिन वही जल्दी का काम खराब ही होता है। और उसमें बीच में देखे होंगे कि सड़क बैठ गई है, वो हमें मालूम था कि ये स्थिति आएगी, और उसको अभी अच्छे से रिस्टोर भी किया जाएगा। और चूंकि वो सड़क जो है PWD की है, वो सड़क अभी पूरी की पूरी चौड़ीकरण होते हुए पूरा बनना भी है, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अभी टेम्प्रोरी करके उसमें ज़्यादा पैसा ना खर्च किया जाए, क्योंकि उसे अभी कोड़ा ही जाएगा, और PWD के द्वारा पूरा उस रोड को बनाने का प्रपोजल और वर्क ऑर्डर हो भी गया है। तो उस तारतम्य में कि अभी सिंपल मैनेजमेंट किया जाए और पूरा खर्च ना किया जाए, वो पैसा कहीं दूसरे अच्छे कामों में किया जाएगा। सर, जिस तरह से डामीकरण किया गया, पैसा का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, किससे क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट वॉच कर रहे हैं, और मैंने स्पष्ट कहा कि उसको एक सिंपल मैनेजमेंट की धूल ना उड़े इस तरीके से किया गया था, क्योंकि WBM करके रोलर तो चलाया नहीं गया था वहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमें मालूम है, क्योंकि PWD अभी उसे पूरे कोड के बनाने ही वाली है, वो एक मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा था कि धूल ना उड़े और पब्लिक परेशान ना हो, उसमें ऐसे कोई भी गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है।